हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा नवगणित, ये हमारा मनोहर की किताब है जिसमें अध्याय एक है संख्या पद्धत, प्रश्नावली है एक एक का, पीछे कुछ नियमों को और प्रश्नों को हमने देखा। इसमें हम प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे। इसके पीछे के प्रश्नों को यदि आप न देखे हों तो पहले पीछे के प्रश्नों को देखिए। अब यहाँ से हम प्रश्न संख्या 6 से चलते हैं। तो क्या दिया है, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम हमारा जो होता है, 2 का योगात्मक प्रतिलोम हमारा -2 होगा, 3 का -3 होगा, और अगर माइनस रहेगा तो वह हमारा प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमें 2 संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो लिखेंगे हल, हल में हमें क्या मिलेगा, पी प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम। तो इसका हम चिन्ह बदल देंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में पी प्लस क्यू ही रहेगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से आएंगे तो पी माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम लेंगे तो माइनस होगा, बाकी ब्रैकेट में हमारा पी माइनस क्यू, यही आंसर होगा। चाहे तो इसको हम माइनस पी प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, या क्यू प्लस है तो इसको पहले और माइनस पी को बाद में भी लिखा जा सकता है। हमारा आंसर चाहे इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों हमारा आंसर सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 7। कह रहा है एक्स के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x कथन सत्य है। तो यहाँ हम देखेंगे तीनों गुणा है, इधर भी तीनों गुणा है, और हम जानते हैं कि a × b और × c, और ये बराबर हो गया है a × b और × c हो गया है। इसको कहा जाता है साहचर्य नियम। तो यहाँ हम आ जाएंगे 5 दोनों तरफ मिल जाएगा, 3 हमारा दोनों तरफ मिल जाएगा, x है और इधर 2 है, तो इसका मतलब है x का मान 2 होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x = 2। अगर हम लिखना चाहें किससे आया है तो हम लिख सकते हैं, यानी गुणात्मक या गुणा के साहचर्य नियम से। ये हमारा साहचर्य नियम से x = हमें 2 मिल गया है। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 8 को। करा पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम में हमने पाया कि 2 का -2, 3 का 3, अगर 0 का निकालेंगे योज्य प्रतिलोम हमारा -0, और 0 में चाहे माइनस चाहे प्लस का गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होता है। यहाँ पर हम आ जाएंगे, लिखेंगे 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होगा। तो 0 का योज्य प्रतिलोम बराबर 0 होता है। फिर आगे आएंगे, प्रश्न संख्या हम 9 ले लेंगे। यदि एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम है। यहाँ कह रहा है जो a का मान होगा वह हमें सम लेना है और धन लेना है। तो अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2-1 गुणे हो जाएगा 2+1। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, बराबर 3 आ गया, और यह 3 हमारा क्या है, विषम संख्या है। इसी तरह से किसी भी सम मान लो को लेकर के हम चेक कर सकते हैं। 4 ले लेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 × 3 = 15 होगा, और 15 भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो उत्तर मिलेगा वह मिल जाएगा कि a-1 तथा a+1 का मान जो होगा वह एक विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। कि यानी यदि एक सम धन पूर्णांक है तो a-1 × a+1 पूरा ब्रैकेट सहित ऐसे लिखेंगे और आगे लिख देंगे, एक विषम संख्या होगी। आगे आते हैं, अब हम प्रश्न संख्या 10 को ले लेते हैं। 10 में क्या दिया है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। अगर हम बात करें संख्या रेखा की तो यहाँ हम आ जाएंगे, पहले संख्या रेखा बनाएंगे, और संख्या रेखा बनाने के लिए हमें क्या मिलता है, ये हमारा संख्या रेखा हो जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से मिल जाएगा। तो पहला उसने कहा 5,
तो पाँच का मतलब जीरो से पाँच, यहाँ से आएंगे तो एक दो तीन चार पाँच तक आएंगे, ये बन गया हमारा प्लस पाँच। फिर कह रहे हैं और सात का योग, योग माने प्लस होता है, अब इसके आगे सात और, आगे जाएंगे तो जुड़ेगा पीछे आएंगे तो घटेगा, तो सात और ले जाना है यहाँ से यहाँ तक, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी इसके आगे हमारा ये बन जाएगा प्लस सात, और देखेंगे ये जीरो से हमारा बारह तक पहुँच जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर बन गया संख्या रेखा पर कि पाँच प्लस सात बराबर हो जाएगा बारह, और इसी तरह से हमें संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है। अगला है प्रश्न संख्या हमारा ग्यारह है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य अथवा कौन से असत्य हैं, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होगा, तो एक अभाज्य दो ले लिया जाए, दूसरा अभाज्य तीन ले लिया जाए, दोनों धन हैं, और ये कह रहा है जो गुणन फल होगा माने गुणा करेंगे तो हमें छः मिल गया, और छः हमारी जो संख्या है वो अभाज्य नहीं है बल्कि क्या है भाज्य है, क्योंकि ये दो और तीन दोनों से कटेगी, इसलिए पहला वाला जो कथन है वह असत्य हो जाएगा, हमारा आंसर क्या बनेगा पहले में असत्य होगा। नंबर दो यानी बी है हमारा, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, अगर एक दो ले लें एक तीन ले लें और जोड़ देंगे तो पाँच आएगा, ये तो अभाज्य मिल गया, लेकिन अभी हम और ले लेते हैं, एक तीन ले लें अभाज्य दूसरा पाँच ले लें तो ये आठ आएगा, और आठ जो होता है ये हमारी एक भाज्य संख्या होती है या विभाज्य संख्या होती है। इसने कहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होगा, तो कभी अभाज्य मिला कभी भाज्य मिला, इसका मतलब सदैव अभाज्य नहीं होता है, तो ये भी कथन हमारा क्या मिल जाएगा असत्य बन जाएगा। अगला आ जाएंगे सी, तो सी में क्या दिया है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, यानी ए भी ऋण है और बी भी ऋण है, तब ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, जैसे ए अगर मान लीजिए दो आ जाए माइनस दो और बी का मान भी ऋण होना चाहिए, और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे मान लीजिए तीन हो जाए तो ये बन जाएगा माइनस दो माइनस तीन और बनेगा माइनस पाँच, किसी भी अगर हम माइनस पूर्णांक में अगला माइनस पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमेशा माइनस ही मिलेगा, और ये कह रहा है सदैव एक ऋण पूर्णांक आएगा, इसका मतलब ये हमारा सत्य है, तो हमारा जो सी होगा ये हमारा कहलाएगा सत्य कथन अर्थात सत्य होगा। अगला है प्रश्न संख्या हम बारह ले लेते हैं, तो बारह में क्या दिया है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस थ्री संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, अगर यहाँ बात करें एक संख्या ए है दूसरी संख्या हमारी ए प्लस वन है तीसरी संख्या ए प्लस टू है और चौथी संख्या हमारी ए प्लस थ्री है, तो हमारी संख्या ए ए प्लस वन फिर ए प्लस टू अगला ए प्लस थ्री, ये लगातार संख्याएं हैं, तो ये लगातार लगातार चार संख्याएं हैं, चार संख्याएं हैं, और अगर लगातार कोई चार संख्या होती है तो उसमें से एक संख्या चार से कटेगी, दूसरी संख्या तीन से कटेगी, और तीसरी संख्या हमारी दो से निश्चित है कटेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि चार गुणे तीन गुणे दो बराबर यह संख्या हमारी 24 से विभाज्य होगी, तो यही हमें लिखना है कि चूंकि लगातार चार संख्याओं में एक संख्या चार से दूसरी तीन से और तीसरी दो से विभाजित होती है या कटती है, इसलिए यह पूरी संख्या चार गुणे तीन गुणे दो बराबर 24 से विभाज्य होगी। अगला हम ले लेंगे प्रश्न संख्या 13, और इसके नीचे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।